जिन्हें लेकर सुनवाई लगातार जारी है। अब देखना होगा कि जो बाकी दो आरोपी हैं क्या कोर्ट उन्हें लेकर कोई फैसला सुनाती है, कोई सजा सुनाती है, या फिर उन्हें भी बरी कर दिया जाता है। हालांकि सीबीआई का दावा था कि हमने सभी सबूत पेश किए हैं और यही वजह थी कि इतना ज्यादा वक्त लग गया सुनवाई में और फैसला सामने आने में, क्योंकि जो गवाह थे उन्हें जुटाना था, कोर्ट के सामने पेश करना था। एक लंबी चार्जशीट भी पेश की गई थी सीबीआई की ओर से, लेकिन जो फैसला सामने आया है कोर्ट की ओर से वो बेहद चौंकाने वाला है। अशोक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। अशोक, बड़ी चूक मानी जाए इसे सीबीआई की, क्योंकि कहा तो ये जा रहा था कि हमने चश्मदीदों को भी पेश किया है गवाह के तौर पर। जी बिल्कुल, टाडा कोर्ट में अभी अभी ये फैसला सुनाया गया है जिसमें बताया गया है कि टुंडा को बरी किया गया है। ऐसे में अब टुंडा को कुछ देर में ही बाहर लाया जाएगा, हो सकता है उनसे जो है हमारी बातचीत हो जाए। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो टुंडा है वो लंबे समय से बीमार भी था, और ये भी बताया जा रहा है कि जो टुंडा था उसके जो सबूत हैं वो नहीं मिले हैं, वो किस तरह से बम बनाया उसने या वो बम जो था उसको भिजवाया नहीं भिजवाया, तमाम जो चीजें हैं वो सवालों के घेरे में है। सीबीआई ने इस मामले में पैरवी जो है सही ढंग से नहीं की, साक्ष्य जुटाने में कमियां रही, सुरक्षा एजेंसियां जो हैं जो इस मामले में बयान देने वाले जो लोग हैं या फिर जो गवाह हैं उनको भी जुटा नहीं सकी। तो तमाम जो बिंदु हैं उनको लेकर जो है सीबीआई और सुरक्षा एजेंसियां सवालों के घेरे में है, क्योंकि ये एक बड़ा मामला था। सीरियल ब्लास्ट जो हुआ था उसमें मास्टरमाइंड जो है इसको माना जा रहा था अब्दुल करीम टुंडा को, और बताया जा रहा है कि इसके द्वारा जो बनाए गए बम थे उनके माध्यम से ही धमाके हुए थे। तो इन सभी जो घटनाक्रम है उसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर सुरक्षा एजेंसियां हैं या फिर सीबीआई है, जो जांच एजेंसियां हैं उनके माध्यम से क्या चूक हुई है। तो इन सभी विषयों को लेकर अभी सवालों के घेरे में तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो है, क्योंकि एक बड़ा मामला था, एक की इस प्रकरण में मौत हुई थी, कई लोग जो है घायल हुए थे। अब उन वो जो सभी लोग हैं वो न्याय की यहाँ पर आज जो है सोच रहे थे कि उनको न्याय मिलेगा, लेकिन आज अगर अब्दुल करीम टुंडा रिहा होता है तो उनको न्याय कैसे मिलेगा, ये तमाम जो चीजें हैं वो सवालों के घेरे में हैं। हालांकि अब जो दो सदस्य और हैं, जो दो लोगों पर जो आरोप है हमीदुद्दीन और इमरान इरफान, इन दोनों को लेकर निर्णय अभी सुनाया जाना बाकी है। कुछ देर में ही तमाम जो अधिवक्ता हैं, चाहे वो इन दोनों के अधिवक्ता हो या सीबीआई के अधिवक्ता हो, वो अंदर ही हैं, और अंदर से जब बाहर आएंगे तभी स्पष्ट हो पाएगा कि उनके ऊपर क्या किस तरह के चार्ज लगाए गए हैं और क्या उनको सजा सुनाई गई है। तो जब तक सजाएं उनको नहीं मिलती तब तक कह पाना मुश्किल होगा। लेकिन बड़ी खबर ये आ रही है कि अब्दुल करीम टुंडा, जिसे लेकर लगातार ये समझा जा रहा था कि उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी और उनको कड़ी सजा मिलेगी, पुराने मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई थी, लेकिन अब इस मामले में बरी होने की एक खबर आ रही है। तो ये पूरा मामला किस तरह से जनता के बीच रखते हैं, और जो सुरक्षा एजेंसियां हो या फिर सीबीआई हो, वो अब जनता को कैसे फेस करेगी, क्योंकि इस मामले में इतने ब्लास्ट के बाद जो मास्टरमाइंड जिसको माना जा रहा था, जिसको लेकर पूरी जो चीजें बयान हो रही थी, और लगातार जो दो और आरोपी हैं यहाँ गिरफ्तार हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल अशोक, जो दो और आरोपी उन्हें लेकर सुनवाई भी की जा रही है, फैसला भी जल्द सामने आ जाएगा। उन्हें लेकर कोर्ट क्या फैसला सुनाता है ये देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सीरियल बम ब्लास्ट में कई लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हुए, कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। तो सवाल तो ये उठेंगे ना कि फिर आखिर किसकी वजह से इतने लोगों की मौत हुई, कौन था साजिशकर्ता। जी बिल्कुल, दो जो अन्य दो आरोपी हैं हबीबुद्दीन और इरफान, उसे लेकर जो है अभी कुछ देर में फैसला आना बाकी है। लेकिन उनका पर आरोप यह है कि उन्होंने जो है बम अलग अलग ट्रेनों में रखे थे, और एक जो है अब्दुल करीम टुंडा के साथ था, तो उस समय जो है वो बहुत छोटा था। अब ऐसे में क्या उनके ऊपर निर्णय सुनाया जाता है, ये जो अंदर जज है, न्यायाधीश है, उनके ऊपर निर्भर करता है किस तरह के आर्गूमेंट जो है न्यायालय के समक्ष पेश किए गए थे सीबीआई की ओर से या फिर जो विशिष्ट लोक अभियोजक है उसकी ओर से। अब इसमें कुछ देर बाद ही कहना संभव होगा कि जो अब्दुल करीम टुंडा के ऊपर जो चार्जशीट जो पेश नहीं की थी या फिर अन्य जो मामले थे उसी प्रकार का मामला उनके ऊपर भी है क्या। तो ये तमाम जो चीजें हैं अभी कुछ देर बाद ही पता चल पाएगी। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अब्दुल करीम टुंडा को रिहा कर दिया गया है, किस मामले में रिहा किया गया है यह भी अभी स्पष्ट नहीं है। तो अब थोड़ी देर में ही जब वकील वापस आते हैं, क्योंकि अलग अलग केस जो है टुंडा के ऊपर चल रहे हैं, अलग अलग धाराएं जो है टुंडा के ऊपर चल रही है, कौन सी धारा में उन्हें रिहा किया गया है, कौन सी धाराएं उनके ऊपर
चलनी है, ये भी अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। तो जैसे ही वकील बाहर आएंगे, वो एक बार बाहर आए हैं, उन्होंने अपना छोटा सा बयान देके वो कह रहे हैं कि सभी धाराओं में बरी कर दिया गया है। अब इसे लेकर अपडेट मिलेगा तो आप जरूर बताइएगा, लेकिन ये बताइए क्योंकि 30 सालों तक लंबा इंतजार किया लोगों ने आज के दिन के लिए कि आज न्याय मिलेगा, लोग क्या कह रहे हैं वहां पर, किसी से बात हो पाई आपकी, इस फैसले से कितने संतुष्ट हैं सभी? लोगों से फिलहाल अभी यहाँ पर बात नहीं हो पाएगी क्योंकि सेंट्रल जेल के नजदीक ही ये जो टाडा कोर्ट है वो मौजूद है, तो इसके अंदर किसी को अनुमति नहीं है। हालांकि लोगों का यही मानना है कि इस मामले में जो है एक बड़ी सजा होनी थी, क्योंकि सभी को ये लग रहा था कि ये मास्टरमाइंड है, क्योंकि लंबे समय से अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जो आभा मंडल तैयार किया गया था, जो जानकारियां मिल रही थी, या जो वकीलों के माध्यम से जानकारी मिल रही थी, सीबीआई के माध्यम से जो जानकारियां मिल रही थी, उसमें यही स्पष्ट हो रहा था कि अब्दुल करीम जो टुंडा है वो मास्टरमाइंड है और उसी के द्वारा बनाए गए बम के माध्यम से ही ट्रेनों में ब्लास्ट किए गए थे। तो इसके साक्ष्य जुटाने में शायद कहीं कमी रह गई और गवाह जो है वो नहीं मिल पाए, इसके चलते लगातार देरी हो रही थी और इसी देरी का खामियाजा जो है अब्दुल करीम टुंडा को रिहाई के नाम से मिला है। और इस तरह के अगर होता है तो जो जनता है उनको किस तरह से न्याय मिलेगा, ये भी कह पाना मुश्किल हो रहा है। तो अब जो जनता से भी फीडबैक हम बाद में लेंगे, लेकिन फिलहाल जो है अब दो आरोपी हैं, उन पर क्या निर्णय आता है, क्योंकि एक को बरी कर दिया गया है, दोनों पे अलग अलग चार्ज हैं, अभी सीबीआई का बयान जो आना बाकी है, सीबीआई के जो अधिवक्ता हैं वो अंदर ही मौजूद हैं, वो किस तरह की बात करते हैं और क्या कारण रहे, कितनी चूक रही या कितनी क्या कमियां रही, इन सभी विषयों को लेकर अभी बातचीत होनी बाकी है। फिलहाल जो अब्दुल करीम टुंडा के वकील हैं उनके माध्यम से ये जानकारी मिली है कि उनको बरी किया गया है, अब क्या बरी होने के पीछे क्या आधार रहे, उनको सभी बातों को लेकर अपना बयान देगी, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगी कि आगामी क्या जो कदम है वो सीबीआई की ओर से उठाए जाने हैं। जी, लोगों को बड़ा झटका लगा होगा निश्चित तौर पर इस फैसले को सुनने के बाद, सुनाते हैं क्या कुछ कहा है वकील ने। अब्दुल करीम टुंडा को ऑनरेबल कोर्ट ने बरी कर दिया है। दौरान आर्गुमेंट सीबीआई के वकील साहब कई बार ये कहते थे इस पूरे मामले में अब्दुल करीम टुंडा मास्टरमाइंड और हीरो है, लेकिन मास्टरमाइंड और हीरो बताते थे, इंडियन फिल्मों में आपने देखा होगा कि हीरो स्टार्ट में स्ट्रगल करता है, वो सच्चा होता है और लास्ट में उसकी जीत होती है, और यहां भी यही हुआ। तो अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया गया 1993 में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट मामले से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा है, जिनमें कई लोगों की मौत हो गई थी जबकि कई लोग घायल हो गए थे। 30 सालों तक इंतजार किया गया इस फैसले का टाडा कोर्ट की ओर से, आज जब ये फैसला सामने आया है तो सब चौंक गए हैं क्योंकि आरोपी को बरी कर दिया गया है कोर्ट की ओर से, टुंडा को बरी कर दिया गया है। हालांकि जो दो और आरोपी हैं उन्हें लेकर अभी सुनवाई की जा रही है और देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा कि अब दो आरोपियों को लेकर कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, क्या उन्हें भी इसी तरह से बरी कर दिया जाता है। अशोक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अशोक, अब सीबीआई का अगला स्टेप क्या होगा, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, सीबीआई का स्टैंड भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस मामले में टाडा कोर्ट ने बरी किया है, तो अगला कदम क्या होने वाला है यह भी महत्वपूर्ण है। हालांकि सीबीआई के जो वकील हैं वो अंदर ही मौजूद हैं और अभी किस तरह की जो चर्चा है वो अंदर की जा रही है, वो जैसे ही बाहर आते हैं तो स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि इस मामले में अगला कदम क्या होना है, सुप्रीम कोर्ट जाना है या फिर और कोई रीजन है, क्या न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जानी है, ये तमाम जो चीजें हैं वो उनके बयान के ऊपर ही निर्भर है। तो अभी फिलहाल जो है बड़ी खबर यही है कि अब्दुल करीम टुंडा को रिहा किया गया है और दो जो अन्य जो अभियुक्त हैं उनके खिलाफ जो है अंदर जो है सुनवाई जारी है और अंतिम जो फैसला है वो सुनाया जाना है। तो किस तरह का फैसला आने वाला है वो अभी कुछ देर में ही स्पष्ट हो पाएगा। जी, कोर्ट परिसर के अंदर क्या माहौल है इस वक्त अशोक, और सुरक्षा को लेकर निश्चित तौर पर खास इंतजाम किए गए होंगे इस वक्त? बिल्कुल, अंदर की बात करें तो अब्दुल करीम टुंडा को आप
देख पा रहे होंगे हमारे कैमरे के माध्यम से बाहर जो पेड़ के नीचे हैं वो मौजूद हैं, और उसके अलावा जो दो अन्य जो अभियुक्त हैं वो अंदर न्यायालय में मौजूद हैं, जहां पर उनके खिलाफ जो जो पेश किए गए थे, जो चार्जशीट पेश की गई थी या फिर जो आरोप लगाए गए थे, उन सभी विषयों को लेकर जो है न्यायाधीश अपना अंतिम निर्णय जो है वो सुना रहे हैं। जी, और ये ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार हम बता रहे हैं सीरियल बम ब्लास्ट केस में शुरू से लेकर अब तक, यानी कि ए टू जेड क्या क्या कार्रवाई की गई, कि कब आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, कैसे गिरफ्तार किया गया, उसके बाद सीबीआई ने कैसे चार्जशीट पेश की, कहां कहां पर फरारी काटी गई आरोपियों की ओर से। साल 1994 में केस टाडा कोर्ट में पहुंचा, टाडा कोर्ट ने 28 फरवरी 2004 को इसे लेकर मामले पर अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इस मामले में चार आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया था। एक दोषी जमाल अलवी की जयपुर जेल में मौत हो चुकी थी, और अब्दुल करीम टुंडा को 2015 में नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही हमीमुद्दीन और इरफान की भी गिरफ्तारी हुई। कोटा, लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद, सूरत और मुंबई ट्रेनों में सीरियल ब्लास्ट के आरोप इन पर लगे थे। साल 1994 में केस टाडा कोर्ट में आया, और तब से लेकर अब तक 30 सालों तक सुनवाई के बाद जो फैसला आया है वो बेहद चौंकाने वाला है। अशोक, किसी वकील से बात करिए, समझने की कोशिश करिए कि आखिर चूक कहाँ हो गई, क्या ठीक तरीके से सुनते हैं वकील को। अरे सीबीआई के वकील क्या करें, सुनिए। इसमें अब्दुल करीम टुंडा को बरी किया है, इसकी हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। क्या क्या कारण रहे जो बरी, वो कांड फैसला आएगा, अभी देख के बताएंगे। अब अगला निर्णय क्या रहेगा, सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी अब्दुल करीम टुंडा के विरुद्ध। सरकार के द्वारा भी कोई कार्रवाई होगी आगे? हाँ, जो भी हो वो सब ऑर्डर डिटेल में पढ़ने के बाद क्या रही जो आदेश आएगा, पढ़ेंगे उसके बाद बताएंगे। हमीद का इरफान का क्या रहा है? LI उमर कैद। हमीद और इरफान को उम्र कैद की सजा यहाँ पर हुई है, ये जो है वकील बता रहे हैं। क्या निर्णय, आप आओ, आओ एक मिनट इधर आओ, आप बता रहे हैं क्या, आप बता रहे हैं क्या, लो एक मिनट आओ, थोड़ा सा क्या क्या हुआ, क्या क्या छोड़ दे, क्या इसके बारे में अभी आदेश सुनाया गया है। ये इंसिडेंट 93 का है, 5-6 दिसंबर का। पहले कुछ मुलजिमों को सजा हो चुकी है, इसमें तीन मफरूर थे, अब्दुल करीम टुंडा, इरफान अहमद, हमीदुद्दीन और इरफान अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अब्दुल करीम और टुंडा को बरी किया गया है, वो आदेश में डिटेल में पढ़ने के बाद बताया जाएगा, और सरकार इसके खिलाफ अपील में जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। अब्दुल करीम टुंडा के जो बरी किया है, और अभी सभी आदेश हो चुके। आप देखेंगे ये सरकार जो सीबीआई के वकील हैं वो थे जिन्होंने अपना बयान यहाँ पर दिया है और बताया कि क्या कमियां रही, इसे देखकर जो है बाद में बताया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल एक बड़ी खबर और है कि दोनों जो आरोपी थे उनको भी यहाँ पर LI हुई है, उम्र कैद की सजा यहाँ पर है वो सुनाई गई है। तो एक बड़ी खबर यहाँ से अजमेर से निकल रही है, अब्दुल करीम टुंडा को जो है बरी किया गया है, क्या कारण रहे इसे लेकर सरकार जो है आगे अपील करेगी। वहीं दो आरोपी जो हैं हमीदुद्दीन और इरफान, उनको LI की सजा यहाँ पर दी गई है, आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। तो एक बड़ी खबर यहाँ से मिल रही है। जी बिल्कुल अशोक, तो सबसे पहले अपडेट दर्शकों को बता देते हैं कि जो दो आरोपी जिन्हें लेकर सुनवाई की जा रही थी उन्हें लेकर भी फैसला सामने आ चुका है। हमीमुद्दीन और इरफान को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि टुंडा को बरी कर दिया गया। इसके साथ ही अशोक, जो बड़ी बात है वो ये भी है, सीबीआई का कहना है कि अब आगे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। बिल्कुल, सीबीआई का कहना है, लेकिन विशेष लोग अभियोजक क्या कह रहे हैं उनसे जानते हैं, सुना देते हैं, फिर आएंगे आपके पास। आज मैं तेज बोलूंगा, थोड़ा पीछे। क्या रीजन रहे, आज न्यायालय ने निर्णय सुनाया है, और दोनों तीनों अभियुक्त में से दो, हमीरुद्दीन और इरफान, दोनों को आजीवन कारावास दिया गया है, इनको दोषी माना गया है, और टाडा एक्ट के अंदर भी और IPC की धारा के अंदर भी इन लोगों को, और रेलवे अधिनियम की धारा और रेलवे अधिनियम और लोक संपत्ति अधिनियम, इन सबके साथ में इनको आजीवन कारावास दिया है। सबकी सजाएं साथ चलेगी, इरफान और हमीरुद्दीन, और टुंडा को बरी किया गया है। वो फैसला देखने के बाद पता चलेगा क्या आधार लिए गए हैं, क्योंकि फैसला बहुत बड़ा है, केस बहुत पुराना है, तो एक बार ढंग से फैसला देखा जाएगा, उसमें क्या क्या तर्क दिए गए हैं वो एक बार देखना पड़ेगा। आपने पूरा चार्जशीट भी फाइल नहीं कर पाए टुंडा के खिलाफ, ये क्या कहीं ना कहीं जांच की कमी नहीं बता रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इसमें कोई पहले क्वेश्चन आ चुका था जिसका जवाब दिया जा चुका है,
और करीम अब्दुल करीम को क्यों बरी किया गया था वो मैं फैसला देखने के बाद ही आपको बता पाऊंगा। और वर्तमान में यह है दोनों को दोषी करार दिया जाए क्योंकि दोनों ने सीरियल बम ब्लास्ट के अंदर जो सीरियल बम ब्लास्ट थे जो देश के अन्य सभी जगह जो प्रसिद्ध ट्रेनों में हुए थे और इन पर 5 FIR दर्ज हुई थी सबको क्लब करके अजमेर टाडा कोर्ट में इस पर मुकदमा चला था और उनको उस आधार पे उनको आजीवन कारावास दिया गया उनको दोषी माना गया। एक बार हम सब CBI और राय मत हो गए उसके बाद को मुख्य आरोपी माना गया था आपको नहीं लगता कि जिसको मुख्य आरोपी माना गया था वो बरी हो जाता है तो इसमें लकुना है? लकुना नहीं, एक बार हम न्यायालय का फैसला क्योंकि सबसे बड़ा न्यायालय है न्यायालय का जो बरी कर दिया ना सर बरी कर दिया मैं बताना चाहूंगा न्यायालय का जो फैसला है वो सर्वोपरि माना जाता है। अब फैसला देखे बाद पता चलेगा कि किन तर्कों पे बरी किया गया था इसकी अपील की जानी चाहिए नहीं की जानी चाहिए क्योंकि अपील तो निश्चित की जानी चाहिए जो हम अब बैठ के CBI आज न्यायालय में एक बार फिर साबित हुई है अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ जितने भी मामले दर्ज हुए हैं किसी मामले में अब्दुल करीम टुंडा पर आतंकवाद के जो चार्ज थे जो मामले थे किसी मामले में अब्दुल करीम टुंडा दोषी सिद्ध नहीं हुए हैं और आज भी अब्दुल करीम टुंडा बरी हुए हैं। इरफान और हमीदुद्दीन को दोषी माना है सजा के ऊपर थोड़ी देर के अंदर बताया जाएगा। अच्छा टाडा कोर्ट में जो फैसला सुनाया है क्या आधार था इसका इसको लेकर इन्होंने? देखिए संपूर्ण तो न्यायालय का निर्णय आने के बाद ही बताया जा पाएगा लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि माननीय टाडा न्यायाधीश राजस्थान अजमेर ने अब्दुल कर पैरालाइज हो चुका है तो अब इसके लिए जो रिलीफ मिल सकता है वो सुप्रीम कोर्ट में चाराजोई की जाएगी। टाडा की धारा है और कोई भी धाराओं को टाडा की धारा के साथ साथ रेलवे एक्ट एक्सप्लोजिव एक्ट आप ये बात करें जब तक जो टुंडा के वकील हैं उनसे बातचीत करते हैं उनसे जानते हैं क्या खामियां रही। आपने कहा सभी मामलों में बरी कर दिया है तो क्या लेकुना CBI की ओर से? हमने आप लोगों से पूर्व में भी कहा था कि मेरे मुवक्किल अब्दुल करीम टुंडा ने मुझे ये बताया है कि वो निर्दोष है। उसने जो तथ्य बताए फाइल पर जो तथ्य आए उन तथ्यों को हमने न्यायालय के समक्ष मजबूती से रखा।